फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में वोट सिलेक्ट की वेब सीरीज कैंडी का एक स्पॉइलर फिल्ड रिव्यू कर रहा हूं। सो अगर आपने कैंडी अभी भी नहीं देखी है और आप इसका पूरा कंटेंट जानकर अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो आप मेरा वीडियो बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पॉयलर्स के साथ मेरा रिव्यू देखोगे, आई कैन अश्योर यू इस वेब सीरीज से ज्यादा मजा आपको मेरे इस वीडियो में आने वाला है। सो कैंडी का केस ऐसा है कि आप विक्रम भट्ट या राम गोपाल वर्मा, ये दोनों डायरेक्टर्स की कोई भी एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म उठाओ और उसकी स्क्रिप्ट को बस खींचते जाओ, जबरदस्ती के सब प्लॉट्स डालते जाओ, जबरदस्ती के डायलॉग्स, जबरदस्ती के सीन्स उसमें ऐड करते जाओ। जो फाइनल स्क्रिप्ट तैयार होगी वो कैंडी से काफी ज्यादा मिलती जुलती होगी। कहानी इनके पास इतनी सी थी, कंटेंट इन लोगों ने इतना सारा बना दिया। इसमें टोटल 8 एपिसोड है, ऑलमोस्ट आधे घंटे का एक एपिसोड है। एंड इट्स अ शेम ऑन दी मेकर्स कि आप 4 घंटे का भी एंगेजमेंट फैक्टर नहीं रख पाए। आईएमडीबी पर इस वेब सीरीज को 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। बहुत चर्चाएं हुई इस वेब सीरीज को लेकर, 1.5 महीना हो गया इसके रिलीज को। सो इवन आई वॉज इंक्विजिटिव, आई वॉज क्यूरियस टू वॉच द कंटेंट। प्लस मेरे फेवरेट एक्टर रोनित रॉय है इसमें, ऋचा चड्ढा है इसमें। इतने सीजन कलाकार होके भी कैसे गूफ अप कर दिया लोगों ने। इसमें यह दिखाया गया है कि रुद्रकुंड नाम का एक हिली रीजन है, एक पहाड़ी इलाका है, जहां की डीएसपी है ऋचा चड्ढा। पिछले तकरीबन 4 साल से उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है और जब से उन्होंने डीएसपी की पोजीशन संभाली है तब से वहां के जंगल एरिया में एक मसान नाम के जीव की कहानी वो सुनती आई है। मसान ने पिछले कुछ सालों से बहुत सारी किलिंग्स की हैं। ये आदमी है, जानवर है, राक्षस है, दैत्य है, दानव है, क्या है किसी को नहीं मालूम। इसकी बस फोकलोर घूमती है, लोग अलग अलग कहानियां बताते जाते हैं और जंगल में जाने से कतराते हैं, डरते हैं। ठीक है, ये कहानी है। मसान बस मारते जा रहा है लोगों को। अब यहां पे पोस्टिंग हुई है एक इंग्लिश के प्रोफेसर की, जिसका किरदार रोनित रॉय ने निभाया है। वो एक लोकल स्कूल में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं, 3 महीना ही हुआ है उनको, और वो 2 बच्चों की मेंटरशिप ले लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो 2 बच्चों में से एक बच्चे की लाश उसी जंगल में मिलती है और उसकी किलिंग उसी स्टाइल में हुई है जिस स्टाइल में मसान लोगों को मारता है। सो मसान इज नॉट अ नॉर्मल किलर। वो जिस भी इंसान को मारता है, जो भी उसका विक्टिम होता है, उसके नेक पे वो एक अपना टैटू मार्क कर देता है। सो पीपल कम टू नो कि भैया ये किलिंग मसान ने की है। ठीक है, यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड वाकई ऐसा लगा कि ये लोग असुर के लेवल में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो एपिसोड तक तो ये वेब सीरीज कैंडी थी, लेकिन 3रे एपिसोड से ये च्युइंगम बन गई, जो बस खींचती जा रही है। आप देखते जा रहे हो, चबाते जा रहे हो। ना इनके पास कहानी थी, ना इनके पास सब प्लॉट्स थे, ना इनके नरेशन में लेयर्स थे, कुछ नहीं थे, बस चले जा रहे। मसान इतना किया है इसके एक्टर्स ने, चाहे वो ऋचा चड्ढा हो, चाहे वो रोनित रॉय हो, हर आदमी मसान ने ये कर दिया, मसान ने वो कर दिया। अच्छा, ऋचा चड्ढा खुद डीएसपी है, ठीक है, वो पूरे एरिया की पुलिस में बहुत ऊंचे औहदे पर है वो, ठीक है, वो सिर्फ मसान कर रही है। पुलिस ने जिस एरिया में मसान एक्टिव है, जिस जंगली एरिया में जाके लोगों का मर्डर होता है थ्रू मसान, ना उस एरिया पे कोई बैरिकेडिंग की, ना वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए। इसमें एक बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के विधायक हैं, मनु ऋषि ने किरदार निभाया उसका, तो वो जब चाहे जंगल में अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं, उनको जो भी खोजबीन करनी हो करने चालू कर देते हैं, लेकिन उनका भी मसान पे कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर ये मसान है क्या? वो जंगल एरिया को पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की, मतलब तुमको मालूम है लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, एक सीरीज ऑफ मर्डर्स हो रहा है उसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, बिंदास लोग आ रहे जा रहे, ऐसे खुला बगीचा जैसा खोल दिया, भाई जाओ और मर जाओ।
कोई लॉजिक नहीं इस बात का। फिर अचानक से रोनीत रॉय जिन बच्चों की मेंटरशिप लेते हैं उसमें से एक बच्चा मसान मार देता है, सेम स्टाइल में उसका बच्चा मर जाता है। तब वो थोड़ा जागरूक होता है, वो इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंड फ्रॉम देयर ऑन वॉट एवर यू सी ऑन स्क्रीन, टू बी प्रिसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड नंबर 3, एपिसोड नंबर 3 से जो कुछ भी स्क्रीन पर होता है वो टोटली नॉनसेंसिकल है, बेतुका है, उसका कोई सेंस नहीं है दूर दूर तक। कंटेंट इनके पास अच्छा था, 2 एपिसोड तक तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग असुर बना रहे हैं, लेकिन बाद में ये नासुर बन गया। थर्ड एपिसोड से डायरेक्टर को शायद कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या बनाना है उनको। 1.5 घंटे की अच्छी खासी एक मूवी, सस्पेंस थ्रिलर टाइप मूवी बन सकती थी, ये लोग ने 4 घंटे का कंटेंट बनाया, तो सोच लो कितना कचरा डाला होगा इसको खींचने के लिए। हर आदमी मसांड 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 कर रहा है, हर आदमी आके अपना वो टैटू दिखा रहा है पीछे जो मसांड ने बनाया उसके। पहले तक सब शांत था, जैसे ही धीरे धीरे चीजें खुलती सब आके अपना दिखाते, ना स्कूल मैनेजमेंट कोई एक्शन ले रहा है, ना किसी और को पता है, ना मीडिया इसमें कोई सक्रिय हो रही है। आज के जमाने में आप ऐसा दिखा रहे हो जहां खुलेआम ऐसा कुछ हो रहा है, लोगों को कैंडी में ड्रग्स दिए जा रहे हैं। सो देर इज नो सेंस, देर इज नो सेंस, नो लॉजिक, वट एवर इज गोइंग ऑन ऑन स्क्रीन पर कोई लॉजिक नहीं है। उसमें एक और एंगल ये डाल दिया कि रोनीत रॉय की एक बेटी थी जो मर चुकी है, वो बेटी के ऊपर इतना ज्यादा इमोशनल ड्रामा ये लोग ने क्रिएट करने की कोशिश की जो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। वो क्रिएट होने के बाद जब फाइनली हमको पता चलता है कि इसकी बेटी कैसी मरी थी, आप बोलोगे इस नॉनसेंसिकल चीज के लिए आपने इतना टाइम वेस्ट किया। हर आदमी मसान, अरे मसान ये कर रहा है मसान, अरे पुलिस क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहे, बस मसान की खाली कहानियां सुनते जा रहे हैं, कोई आदमी कोई स्टेप नहीं ले रहा। मसान अपनी मर्जी, मतलब ये वेब सीरीज का नाम कैंडी नहीं मसान होना चाहिए था भैया, वो हीरो है इसका। इतनी बार मसान 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 किया है लोगों ने, मसान ये कर रहा है, जो स्टेप्स एक्चुअली में इनको करने चाहिए थे वो चालू होते हैं एपिसोड नंबर 6 से, मतलब 6, 7 और 8 में ये लोगों ने कुछ कंक्लूजन तक कहानी को ले जाने की कोशिश की है। बीच का सब कचरा है, सब कचरा है, मसान 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 ये कर देगा, मसान वो कर देगा। अरे भैया इतना तुमको खौफ है, बहुत इजी है मसान को बाहर निकालना, जिस जंगल में जिस एरिया में वो एक्टिव है तुमको मालूम है, वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगाओ, उस पे अजय देवगन की भुज पिक्चर लगाओ, वो मसान जहां कहीं भी होगा तुम्हारे सामने आके भीख मांगेगा, माफी मांगेगा कि मेरे को पकड़ लो लेकिन ये पिक्चर बंद कराओ। इतना इजीली तुम मसान को पकड़ सकते हो, लेकिन कोई भी कुछ एफर्ट लेते हुए दिखाई नहीं दिया। जबरदस्ती की कहानी खींची जा रही थी, ये लोग ने शायद मूवी बनाने की सोची होगी इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वुड सिलेक्ट ने बोला भैया मेरे पास वेब सीरीज की कमी है, राइकर केस और ये सब के बाद मेरे पास कुछ आया ही नहीं है, तो मेरे को एक वेब सीरीज चाहिए, तो जबरदस्ती एक काम कर उसको खींच, खींचते जा, जितना खींच सकते हो उतना खींचते जा। ये वो काम हुआ है यहाँ पे। वुड सिलेक्ट के मेकर्स, वुड सिलेक्ट का जो भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, आई मस्ट से आपका कंटेंट का लेके चॉइस बी ग्रेड का है, फालतू है, थर्ड क्लास है। आपके पास आज तक एक ही वेब सीरीज आउटस्टैंडिंग है, अच्छी है, वो है असुर। वो भी इसीलिए क्योंकि असुर बहुत टाइम से बन के पड़ी हुई थी, कोई भी उसको परचेस नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें कोई बड़ा ए लिस्टर एक्टर नहीं था, कंटेंट वो टाइम पे काफी अनसुना था, माइथोलॉजी को लेकर कोर प्लॉट बनाया गया था तो कोई भी चीज उसके फेवर में नहीं थी, तो जाके वो सस्ते में आपको मिल रही थी तो आपने असुर खरीद ली और उसके बाद असुर एक लेजेंड बन गई। उसके बाद आपकी जो भी वेब सीरीज आई है, चाहे वो राइकर केस हो, चाहे वो गॉन गेम हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकाना हो, वुड सिलेक्ट आपकी चॉइस एकदम घटिया है वेब सीरीज में, आई मस्ट से। और यही चीज आपने कैंडी में की। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो बहुत अच्छे लगे, IMDb की रेटिंग जस्टिफाइड लगी। आज आप पूरा कंटेंट देखोगे 8 एपिसोड्स का, मैं तो 8.8 तो छोड़ो, 8.7 छोड़ो, मैं कैंडी को 4.7 की रेटिंग भी नहीं दूंगा, 4.4 की भी नहीं दूंगा। द कंटेंट कंटेंट इज दैट पथेटिक, दैट आउटडेटेड। कहानी कहाँ 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 घूम के और कहाँ जाती है, भलता ही कुछ होता है, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं किसी भी बात का। 6 एपिसोड 8 एपिसोड पर चले जा रहे चले जा रहे, मैं लिटरली प्रे कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जन्मों जन्मांतर तक कैंडी देखे जा रहा हूं। इतनी स्लो वेब सीरीज, इतना नॉनसेंसिकल प्लॉट, रबिश स्टोरी, स्टोरी नहीं थी, स्क्रीन प्ले फिर उसके ऊपर बना तिरा के इधर उधर जोड़ के लोगों ने कर लिया। लास्ट में जाके डैन ब्राउन की मूवीज में जो एंगल होता है
वो इन लोग ने, मैं भी ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट वो टाइप का एंगर ये लोग ने डाल दिया। इसमें एक आदमी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें एक प्रीस्ट बन के आता है, फादर होता है वो, जब भी आता है, एक तो इसमें मर्डर्स होते रहते हैं, तो मर्डर होने के बाद एक ही प्रीस्ट है जो बार बार आता है, वो उस वो जो भी बॉडी है उसको गाड़ने के लिए आता है, वो अपनी प्रेयर वेयर जो है वो करता है, और लास्ट में जाकर रोनित रॉय को एक अच्छा डायलॉग बोलता है वो, कि भगवान तुम्हारे लिए आएगा। बस ये इतनी बार उसने बोल दिया पूरी वेब सीरीज में, कि वो आते ही स्क्रीन पे आपको हंसी आ जाएगी कि अभी ये डायलॉग बोलने वाला, और वही होता है। इसका कोई सेंस नहीं है। रोनित रॉय की बेटी जिस तरह से मरी, वो इतना बचकाना प्लॉट था जिसको जबरदस्ती खींचा गया। पूरे रुद्रकुंड में एक मसान का ऐसा खौफ था जो ना तो मीडिया में कवर किया गया, ना पुलिस ने उसके ऊपर कुछ किया, ना पॉलिटिकल एंगल उसका कुछ आया। आज के जमाने में आप ऐसा कोई खौफ दिखा रहे हो जिसमें कि आप रेगुलर विजिटर हो, ऐसा भी नहीं कि वो एरिया आइसोलेटेड है। आज जो भानगढ़ फोर्ट की आप कहानियां सुनते हो राजस्थान में, वहां पे कोई जाता नहीं है, भूतिया कहानी है तो कोई जाता भी नहीं है वहां पे। डिस्कवरी ने एक बार जाने की कोशिश की थी तो वहां गांव वालों ने भगा दिया था उनको। वैसा कुछ है तो समझ में आता है। यहाँ पे जिस एरिया में तकलीफ चल रही है, जहाँ पे आपको मालूम है मर्डर्स इसी रेंज में होते हैं, आप बिंदास जा रहे हो, लोग आ रहे जा रहे, कोई उसमें कुछ बैरिकेडिंग नहीं की, कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं रखे, तो फिर मसान का इतना हवा बनाया क्यों? कौन है मसान? किसी ने पड़ताल करने की कोशिश नहीं की? और जो भी है, 1.5 घंटे में ये चीज आपको खत्म करनी चाहिए थी, जो आपने 4 घंटे लगाए। टू से द सेम थिंग, टू शो द सेम थिंग, इतना नॉनसेंसिकल प्लॉट है। लास्ट में जो इसका क्लाइमैक्स है, कोई भी बॉलीवुड की बी ग्रेड हॉरर मूवी उठाओ, सेम टाइप का क्लाइमैक्स होता है उसमें। हाईली प्रेडिक्टेबल, हाईली यूजलेस, हाईली मंडेन, बिल्कुल मेहनत नहीं की गई इसके कंटेंट पे। इनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा था, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टोरी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, उस पर अच्छी स्टोरी लिखी जानी चाहिए थी, अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए थी, उसके बाद अच्छा स्क्रीन प्ले होना चाहिए था। ये तीनों डिपार्टमेंट्स में ये लोग ने मेहनत नहीं की है। सो इसकी IMDb रेटिंग इज हाईली डिसेप्टिव, उसके ऊपर मत जाना। कंटेंट वाइज मैं कैंडी को 0 स्टार दूंगा, बट ओनली बिकॉज ऑफ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ रोनित रॉय एंड रिचा चड्ढा। माई राउडी रेटिंग फॉर कैंडी, विच इज अ वुड सिलेक्ट वेब सीरीज, विल बी 2 out of 5। इसकी IMDb रेटिंग बहुत डिसेप्टिव है, 8.7 की इसकी लाइकियत ही नहीं है। एंड इफ वी आर गेटिंग एंड वी आर गिविंग दिस काइंड ऑफ रेटिंग एज एन ऑडियंस, वी नीड टू रीथिंक ऑन द कंटेंट कैपेबिलिटीज। हम लोग किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। सो आपको कैंडी पर मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू रावड़ी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवर्क डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। ये हफ्ते बहुत सारी रिलीजेस वापस है, रश्मि रॉकेट, सनक, और इसमें सोनी लिप एक और वेब सीरीज आ रही है, सरदार उधम सिंह आ रही है अमेजोन प्राइम पे। सो बहुत सारा कंटेंट इस वीक भी रिलीज हो रहा है, मैं एक एक करके उसका रिव्यू कवर करूंगा एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। टिल द टाइम मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।